एक बढ़िया सा छोटा सा नुक्कड़ नाटक देंगे, जिसके जरिए हम आपकी आंखें खोलेंगे, आपको कुछ सूचनाएं देंगे और आपको एक बेहतर प्रत्याशी चुनने के लिए मदद करेंगे। दोस्तों बिना किसी देरी के लेकर चलते हैं नाटक के पहले दृश्य की ओर। नमस्कार, नाम है जादूगर रोकी वर्मा। अपने जादू से दिखाता हूँ बड़ा बड़ा जादू, बड़े बड़े बिल्डिंग को कर देता हूँ, बिल्कुल छोटा छोटा आदमी को जानवर बना दूं, जानवर को कुत्ता बना दूं, कुत्ते को सांप और सांप को चमूरा। चमूरे ओ चमूरे, कहाँ मर गया रे चमूरे? चमूरे जी उस्ताद। अरे कब से चला रहा था, पाटली मारे चला गया था क्या? नहीं उस्ताद, मैं तो बस सर्वे कर रहा था गाँव का। सर्वे कर रहा था? हाँ। चल ठीक है, जरा ये बता दे अपन यहाँ पर क्यों आए हैं। अपन यहाँ पर क्यों आए? नाटक दिखाने के लिए। अच्छा, फटाफट बता दे मेरी मुट्ठी में क्या है। आपकी मुट्ठी में क्या है? हाँ। आपकी मुट्ठी में 1 रुपए का सिक्का होगा। 1 रुपए का सिक्का? चल ठीक है, अब ये बता दिए सिक्का असली है या नकली। उस्ताद आपको कौन असली सिक्का देगा? अरे ये तो नकली सिक्का है। नकली सिक्का? और ये जो बिहार में चुनाव हो रहे हैं, इस बार किसकी सरकार आने वाली है? क्या उस्ताद आपको इतना भी नहीं पता? अरे यहाँ का तो बच्चा बच्चा जानता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है। और क्या, अरे इस बार तेजस्वी यादव की युवा सोच की युवा सरकार आने वाली है। अच्छा, हाँ। और अपनी बेलागंज से पता कौन खड़े हो रहे हैं? कौन भैया? अरे अपने सुरेंद्र प्रसाद यादव जी। अच्छा, मैं तो भैया उन्हें ही वोट दूंगा। लालटेन वाले? लालटेन वाले भाई चमूरे, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी। अच्छा ये बता दे भाई, उन्होंने ऐसा क्या किया कि जनता उन्हें वोट दे रही है गुरु? अरे भैया उन्होंने क्या नहीं किया जनता के लिए ये बताइए आप। अच्छा। अरे जनता का फ्री में मेडिकल चेकअप करवाया उन्होंने। अच्छा, अच्छा, पता है? और पता है? हाँ। वो इकलौते ऐसे नेता है जो हर रविवार को जनता के लिए जनता दरबार लगाते हैं। अच्छा। 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं वो, दिन हो रात वो कुछ नहीं देखते वो। और तो और विकास भी उन्होंने बहुत किया है। अरे पुल का पूरा जाल बिछा दिया उन्होंने, सड़कें बनवा दिए, 500 से ज्यादा तो नल लगवाए हैं उन्होंने, हैंडपंप 500 से ज्यादा ट्रांसफार्मर लगवाए हैं, कितना कुछ तो किया है उन्होंने हमारे लिए, स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए। मैं तो भैया अपना वोट सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को ही दूंगा। क्या बात है भाई, वाह मेरे चमूरे, गर्व है मुझे तुझ पर। क्या तो जानकारी इकट्ठा करके लाया, वो क्या सही बात बोला भाई। जैसे मेरा चमूरा बात को समझ गया, आप भी समझ जाइए, एक नेक और अच्छे प्रत्याशी को जिताइए। इसलिए आपसे गुजारिश है आने वाले 28 अक्टूबर को लालटेन के निशान का बटन दबाकर हमारे सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। नाटक का अगला दृश्य। चलिए खई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद ये कलकत्ता। कहाँ जा रहे हो? अरे भाभी, आप नहीं जानती है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं जानती। अरे आज हम ना पूरे 18 साल के हो गए। तो लड़की वड़की देखनी पड़ेगी शादी के लिए। अरे क्या भाभी जी, आप जब देखो जब लड़की लड़की। अरे हम इसलिए थोड़ी खुश हैं। अच्छा। अरे हम तो इसलिए खुश हैं कि आज हम पहली बार वोट डालने जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो वोट डालने जा रहे हो इसलिए खुश हो, तो फिर एक अच्छा कैंडिडेट देख के ही अपना कीमती वोट देना। और क्या भाभी जी, हम आपको पागल नजर आते हैं क्या? अरे अच्छा कैंडिडेट देख के ही वोट देंगे ना। अब ठीक है, हमको जाने दीजिए। अरे भैया चला दिया, क्या क्या करे, हार्ट अटैक दिलवाएंगे क्या? अरे कहाँ जा रहे हो भाई साहब? अरे कहाँ जा रहे? अरे आज चुनाव है, वोट डालने जा रहे। ये लीजिए दारू की बोतल और होम डिलीवरी भी करवा देंगे। अरे सब चोर है भाई साहब, आप हमारी पार्टी को वोट दीजिए, लीजिए पैसा और आप बोलेंगे तो नाच भी दिखाएंगे आप। नाच चलिए। अरे अरे दारू की, अरे दारू होम डिलीवरी भी करवाएंगे। कंपनी होम डिलीवरी भी करवाएंगे। होम डिलीवरी? अरे हटो, अरे चुप करो, हमको नहीं करना तुम्हारे, पैसा पकड़ो अपना। होम डिलीवरी कराएंगे, दारू पिलाएंगे, नाच दिखाएंगे। कैसे आदमी हो यार, भिजा दिया हमको। अब हम इसका सोल्यूशन हमारे चाचा जी से बताएंगे। आप चाचा को फोन मिलाते हैं अपने। हेलो चाचा, कौन बोलता है जी? चाचा हम बोल रहे हैं टापन में, टाप नाम है हमारा, लल्लन टाप पकोड़े बेचते हैं, नान स्टॉप। ओ लल्लनवा, चाचा कैसा ना बबुआ? चाचा ठीक है, चाचा
जी का? अरे काहे फोन मिला है? अरे चाचा हम ना फंस गया हूँ। अरे बुढ़वा कितनी बार तुमको बोला ससुरी हमरी पेंट में डालोगे तो ससुरा फंसोगे फंसोगे। अरे चाचा हम आपकी पेंटवा में थोड़ी फंस गए हैं। अब किस चीज में फंस गया? अरे हम क्या है ना कि हम घर से निकले थे वोट डालने के लिए। अब हमको दो आदमी मिल गए। दो को आदमी? एक कह रहा है कि भैया हम तुमको पैसा दे रहे हैं, दारू पिलाएंगे, हमको वोट दे दो। एक कह रहा है कि नाच दिखाएंगे, हमको वोट दे दो। अब समझ नहीं आ रहा है कि किसको वोट दे। कितना पड़ा है? अब चाचा हम किए हैं बी ए में टॉप एंड टॉप, नाम है हमारा ललन टॉप, घोड़े बेचते नॉन स्टॉप। तुम हो गए फ्लॉप। तुम्हारे क्षेत्र से सुरेंद्र प्रसाद नाम के कैंडिडेट खड़े हैं। अच्छा? बहुत ही अच्छे इंसान है, जनता की सेवा में 24 घंटे खड़े रहते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या क्या काम किया मैं तुझे बताता हूँ। बेटा जब तू पैदा भी नहीं हुआ था ना तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, और अब तू देख रहा है सड़कें, अच्छी अच्छी सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब किसकी देन है? किसकी देन है? सुरेंद्र यादव जी की देन है। अच्छा। और पता है और तो और 16 से 20 घंटे बिजली आती है, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी की देन है। और तो और पहले लोग यहाँ अपने यहाँ आने में ना असुरक्षित महसूस करते थे, अब बेला गांव में हर एक इंसान आना चाहता है, असुरक्षित महसूस करता है। अच्छा अच्छा। और तो और तुझे पता है जब NRC और CA का मुद्दा उठा था तो सुरेंद्र प्रसाद यादव जी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और एकदम शांतिपूर्ण तरीके से लोगों की मदद भी की थी। देखा, समझ गया ना? जी चाचा समझ गए। बेटा इस बार का वोट सुरेंद्र प्रसाद यादव को ही देना। अच्छा, और अच्छा। उनका चुनाव चिन्ह है लालटेन। समझ गए? समझ गए चाचा। कौन से नंबर पे है लालटेन? 4 नंबर। ठीक है ठीक है ठीक है। ठंकू जैसे ही बटन दबाएगा आवाज आएगी पी करके। अच्छा, तभी निकलना वहाँ से। ठीक है ठीक है। नहीं तो गलत पार्टी को वोट चले जाएगा। ठीक है ठीक है चाचा। जिंदगी भर पकौड़े तलते रह जाएगा। ठीक है ठीक है चाचा, हम समझ गए। ठंकू 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 चाचा। जी हाँ भैया, जैसे हमारे चाचा और भतीजा समझ गए, आप भी समझ जाइए। अपने वोट को कभी भी आप ना बेचे, शराब के चक्कर में, कबाब के चक्कर में या किसी भी चीज के चक्कर में। आपका वोट बहुत ही कीमती है, इसलिए भाई आपसे गुजारिश है एक नेक और अच्छे प्रत्याशी को चुनिए। इसलिए आपसे फिर से गुजारिश है आने वाले 28 अक्टूबर को लालटेन का निशान का बटन दबाकर, जो कि भैया 4 नंबर पर है तुम्हारे बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। फिर से लेकर चलते हैं हम आपको नाटक के अगले दृश्य की ओर। चलो ठीक है, ये बताओ कुछ बताओ अपनी बात करता, थोड़ा हाथ में आए यार। रोजगार रोजगार तो फ्लॉप हो गया। 15 लाख अरे वो सब खराब है, काम से जनता को बुला लिया मैं, सब ठीक कर जनता को। हाँ जनता अरे देखो देखो कौन आया, अरे बगले जान का बजा भगोड़ा आया, देखो कौन आया, अरे डांसर आया डांसर आया, अरे देखो देखो कौन आया, अब नेता आया नेता आया। हाँ जी, तो मेरी प्यारी जनता, भाई जनता ही शक्ति है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, आपका साथ है तो आपका विकास है, इसलिए भैया वोट हम ही को दीजिए। चलिए माना कि विकास नहीं कर पाए पिछले 15 सालों में, लेकिन अब करेंगे जी, गारंटी की बात है। और हाँ, ये जो आपका गैस है काफी महंगा हो गया है, इसको बस सस्ता करते हैं जी, अभी करेंगे। आप कम करने की बात करते हो, जब आपकी गवर्नमेंट आई थी ना उस समय 300 रुपया गैस सिलेंडर था और आज 800 रुपया हो चुका है, और आप बात करते हो कम करने की, रात दिन मेहनत करने के बावजूद मैं 1 महीने का सिलेंडर बड़ी मुश्किल से जुटा पाता हूँ। अरे 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 पिए पिए, अरे जनता को बेवकूफ समझे हो क्या? ठीक है ठीक है। हाँ तो जब कह रहे थे वो आपका पेट्रोल और डीजल जे काफी महंगा हो गया, इसको तो अब की बार सस्ता करके ही मानेंगे। जी नमस्ते, जनता के लिए जाना। हाँ भाई, आप पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं? जी जी। अरे जब आपकी सरकार, जब आप पिछली बार आप आने वाले थे तब भी आपने ही कहा था पेट्रोल डीजल हम सस्ता कर देंगे, और आप देखिए अब क्या 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 कर दिया आपने। अरे पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और आप कह रहे सस्ता कर देंगे। अरे कर देंगे जी, अरे पेट्रोल ज्यादा। हम क्या कह रहे थे कि माना कि भैया थोड़ी बहुत हो गई,
लेकिन फिर भी अब की बार भैया रोजगार तो हम दिला के ही मांगे। नेता जी नमस्कार प्रणाम। अरे 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 रोजगार की तो बात करिए मत नेता जी, मेरी सिस्टर ने एमए कर रखा है, मेरी दूसरी सिस्टर ने बीटेक कर रखा है और मैं खुद ग्रेजुएट हूँ। और आपके राज में नेताजी पकोड़े तल रहा हूँ, पकोड़े डिग्रियां सिर्फ नाम की रह गई है नेताजी। अरे अरे भाई साहब ठीक है ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा, भाइयों महिलाओं की सुरक्षा, ये मुद्दा जो है इस पे तो वोट हमको मिले। अरे नेताजी आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, हाथरस का नाम तो आपने सुना ही है हा? जी। एक 19 साल की बच्ची के साथ चार लोग मिलके बलात्कार करते फिर आपके ही चमचे उसे रातों रात जला देते और आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं। मुजफ्फरपुर बालिका का नाम तो सुना ही है, वहाँ पे कितने शर्मनाक हरकतें की हैं। ठीक है कोई बात नहीं जी, हम टंग करते हैं जी। अरे भाई क्या कर रखा है आप लोग, उड़े उड़े क्या है सारे, दारू तो सबको पिलाई मैंने जी, कितनी क्या क्या बात है बाबू। अरे आपने तो कहा था दारू बंद हो जाएगी, मगर यहाँ तो होम डिलीवरी चल रही है। जाओ सुशासन बाबू भैया वो डब्बी को दीजिएगा है ना। सुशासन बाबू तो योजना फेल हो गई चलो कोई बात नहीं। अच्छा भाई तुम लोग ये बता दो, चलो कि माना कि अब मुझे वोट नहीं दोगे तो भाई किसको वोट दोगे? अरे उन्होंने क्या नहीं किया भैया हमारे लिए, आपको वो मगध हॉस्पिटल का सीन पता होगा क्या हुआ था वहाँ पर, जब एक दलित महिला का वहाँ के डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया था तब कौन आगे आया था? हमारे सुरेंद्र प्रसाद जी ही आए थे, उन्होंने उसके इलाज के लिए मांग की थी जिसकी वजह से उन्हें सीने पर गोली भी खानी पड़ी थी और तो और वो जेल तक गए थे। और साथ ही साथ आप ही के पड़ोस के गांव दरियापुर में उन्होंने 152 करोड़ रुपए की लागत से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलवाया है जिसमें अधिकतम शिक्षक आपके विदेशों से आते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। और तो और हमारे नेताजी ने ये भी कहा है कि जैसे ही उनकी सरकार कैबिनेट में आएगी वैसे ही जितने भी बेरोजगार युवा हैं उन्हें वो 10 लाख सरकारी नौकरियां दिलवाएंगे। और तो और सर हमारे सरकार के आते सारे किसान भाइयों को कर्जा माफ कर दिया जाएगा। और तो और जब लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी तो कम से कम 1 लाख युवाओं को रोजगार मिला था। और तो और लालू प्रसाद यादव जी ने करोड़ों रुपए कमा के सरकार को दिए थे। और तो और आज के टाइम में ये जो सरकार है रेलवे एयरपोर्ट पूरा का पूरा प्राइवेट कर दी जा रही है। तो भैया हमारी सरकार ने कहा है कि वो जैसे ही कैबिनेट में आते हैं करीब करीब 10 लाख सरकारी नौकरियां वो जनता में वितरित करेंगे। जैसा कि आपने देखा ये सरकार हमारे तेजस्वी यादव जी की सरकार कितना अच्छा काम करेगी और कर रही है, इसलिए आपसे गुजारिश है आने वाले 28 अक्टूबर को भैया जी लाल तेल के निशान का बटन दबाकर जो कि 4 नंबर पर है हमारे सुरेंद्र यादव जी को, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को भारी से भारी मतों से विजय। फिर से ले चलते हैं हम आपको नाटक के अगले दृश्य की ओर। अरे मैडम जी कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? कहाँ चली अनारकली? सुनिए तो मैडम हमें भी अपनी खातिरदारी का मौका दो मैडम। अरे अरे जान लीजिएगा चलिए तो जरा कोने में। अरे आइए तो मैडम जी। इससे पंगा लेगी है मर गई अबे मर गई है तो बहुत ही शर्मनाक हरकत है हमारे देश की, बहुत ही शर्मनाक हरकत। ऐसी घटनाएं हमारे देश में होती रहती हैं, हमारे देश में हमारे हर जगह। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा ही चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसा डर का माहौल हो, हमारे बिहार में ऐसा डर का माहौल हो? अगर नहीं हमें जरूरत है एक अच्छी और नेक सरकार लाने की। आप देख लीजिए हमारे सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को बेलागंज से वो विधायक हैं, यहाँ पर किसी भी लड़की पे आज तक उन्होंने आज तक नहीं आने दी। अगर आप चाहते हैं जैसे ही सरकार रहे हमारे सुरेंद्र प्रसाद यादव जी हमेशा विधायक रहे हमारा विकास हो, इसलिए आपसे गुजारिश है आने वाले 28 अक्टूबर को लालटेन के निशान का बटन दबाकर हमारे सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारा नाटक देखने के लिए, बहुत बहुत राष्ट्रीय जनता दल को वोट दें इस बार तेजस्वी भव विहार।